इनको लागू करेंगे और एजुकेशन भारत कमेटी जरूर बनाएगा। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अनुमति दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तीन मिनटों में हम अपनी बात खत्म करेंगे। सभापति महोदय, राष्ट्रपति हो या भंगी का संतान, सबकी शिक्षा एक समान। राजा हो या रंक, सबकी शिक्षा एक समान। और शिक्षा की व्यवस्था में बहुत बड़ी खाई होते जा रहा है। आज जो है गाँव के लोग जो है ग्रामीण स्कूल में पढ़ते हैं और 5 स्टार में जो है बड़े लोग के बेटे और बेटियां पढ़ता है। और जो बड़े पैमाने पर जो है शोषण होता है, पैसे का खेल होता है और वहाँ क्वालिटी भी नहीं रहता है। और ग्रामीण शिक्षा अगर बर्बाद हो गई तो देश मेरा शिक्षा के क्षेत्र में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देना। कभी नालंदा बिहार में जाना जाता था, विश्व में जाना जाता था, लेकिन जो है आज जो है जो ज्ञानहीन समाज आगे नहीं बढ़ता है, ज्ञानवान समाज आगे बढ़ता है। ज्ञान की रोशनी को हमें हर घर तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज और कर्तव्य है। और ग्रामीण शिक्षा पर जोर देना है। और प्राइवेट स्कूल ऐसी संस्था में कुछ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्तर गोबर छत्ते की तरह बढ़ रहा है, यह देश के लिए बहुत ही नुकसान है। और बिहार में तो और भी बड़े पैमाने पर जो हो रहा है। शिक्षकों का प्रशिक्षण होना चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए। और BPSC से जब जो आदरणीय लालू जी का समय था तो BPSC से जब उस समय हम जो है बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री थे तो उस समय BPSC से 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई। आज भी उसकी क्वालिटी वो IAS और IPS तक बन गए। 25,000, 13,000 और 7,000 आपके माइनॉरिटी के आदिवासी SC ST के। और उस समय जो है जो आदरणीय लालू जी के समय में जो BPSC से बहाली हुआ, आज भी उस क्वालिटी को लोग याद करते हैं। बिहार की शिक्षा और परीक्षा को ग्रहण लग गया, अब बिहार गर्त में चला गया। अभी बिहार की हालत शिक्षा के नाम पर बहुत ही खराब है। समान वेतन मान दिया जाए, एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ, और बिहार में जो बेटी का अब जो है अस्मत बचाओ और पढ़ाओ की बात तो होने सकता है। जो एक मिनट आदरणीय लालू जी ने कहा था, जन्म दिया तो शिक्षा दो। आदरणीय लालू जी ने कहा था पढ़ो या मरो। और जो है गैया बकरी चढ़ते जाए, मुनिया बेटी पढ़ते जाए, उस नारों को सफल करना है। मिड डे मील में शिक्षकों को नहीं लगाइए। भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, डेस्क नहीं है, बेंच नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। आज SC ST OBC मुस्लिम मदरसा और जो हॉस्टल अल्पसंख्यक का SC का ST का वह सिर्फ जो है योजना में रहता है, लेकिन SC ST और मुस्लिम के लिए काम नहीं किया जाता है। साक्षरता को बढ़ाइए माननीय मंत्री जी, ज्ञान को बढ़ाइए। और बिहार के हालत शिक्षा और परीक्षा दोनों बिहार का चौपट गति में चला गया। पर चर्चा में भाग लेने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। राष्ट्रीय